हेलो 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 गाइस, एक साल पूरा हो गया है और बर्थडे आ गया भाई का, तो कमेंट सेक्शन में हो जाना चाहिए भाई का बर्थडे ओपी, ठीक है? तो आज हैप्पी बर्थडे सर। अब जिस वीडियो में आया हूँ तो सिर्फ भाई का बर्थडे तो बन नहीं रखते, तो हाँ आज वीडियो थोड़ी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो एक ऐसे प्यार के बारे में बात करती है जो कि लौंडे ना ज्यादा जाहिर कर नहीं पाते। वैसे लौंडे हर प्यार को ज्यादा जाहिर नहीं कर पाते शुरुआत में, बट एक प्यार है जो कि रहता हमेशा है उनके दिल में, बट वो सामने से दिखा नहीं पाते या देरी हो जाती है दिखाने में। तो हाँ, तो आज हम बात करेंगे पापा और बेटे के प्यार के बारे में, जो कि अनका होता है बट जब दिखता है या एक तरफ से भी कभी दिखता है ना, तो वो आंसू ला ही देता तुम्हारी आंखों में। तो हाँ, एक ऐसी मूवी जिसमें इस पे ही बात करी जाती है, डबल डाउन किया जाता है इस पूरे टॉपिक पे, जो कि बहुत ब्यूटीफुली दिखाया गया मूवी स्क्रीन पे। तो हाँ, आज उस मूवी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है बाजा। और क्या मूवी है, देखो मैंने ऐसे कह दिया ना, अब देखो तुम्हें मूवी के बारे में धीरे धीरे बताऊंगा तो तुम्हें और एक्साइटमेंट बढ़ेगी, क्योंकि मूवी लिटरली अच्छी है। क्योंकि देखो, एज अ बर्थडे बॉय मैं कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहूंगा जिसकी वजह से मेरे को लोग कुछ उल्टा बोले, तो ये शुरुआत में डालूंगा। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गाइज, तुमने मेरे को सब्सक्राइब किया, दिल से शुक्रिया। मैं दिन ब दिन अच्छा होता जा रहा हूँ, अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करता जा रहा हूँ आपके लिए, और इस चैनल पे हमेशा कॉन्टेंट अच्छे से अच्छे देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यू नो आई लव यू ऑल गाइज, मतलब हाँ लिटरली, ठीक है? नो होमो, बट सब्सक्राइब कर रखा है, नहीं कर रखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि धीरे धीरे कर लोगे तुम, क्योंकि तुम मेरे को जानोगे ना कि कितना क्यूटी हूँ मैं, तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है? क्यूटी नहीं, सॉरी, एल्फा वर्ल्ड है मेरा नाम, एल्फा हूँ, ठीक है? तो हाँ, जितने भी लोग मेरे को विशेस कर रहे हैं, हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं, थैंक यू गाइज, और अगर हाँ मैं किसी को भी छोड़ देता हूँ तो एडवांस में मैं थैंक यू कह रहा हूँ आप सभी को, और शुक्रिया मेरी ज़िंदगी को थोड़ा स्पेशल बनाने के लिए। मैं इस चैनल पे आता हूँ, मज़ा आता है, ठीक है? अब ज़्यादा भाव में नहीं बहूँगा, ये तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है? बाजा पे बात करते हैं। तो मूवी की शुरुआत के 10 मिनट में बता देते हैं कि तुम कहाँ इनरोल कर रहे हो, मतलब मूवी कैसे होने वाली है, क्या होने वाली है। शुरुआत का एक ब्यूटीफुल शॉट है जिसमें सब दोस्त साइकिलिंग करते हुए जा रहे हैं, तुम्हें लगेगा कि अरे मंजुमन बॉयज आर यू देयर, बट नहीं, ये मंजुमन बॉयज से अलग खेलती है, बट है एक वैसी मूवी फ्रेंडशिप को लेकर, और उन्हीं शुरुआत के 10 मिनट में तुम्हें डेडिकेशन समझ आ जाएगी इस मूवी के क्रिएटर से कितनी ज्यादा है। एक पेड़ लगाया जाता है केले का, और उसको पूरा उगते हुए दिखाते हैं, और जैसे ही पेड़ लाया जाता है उसको उगाया जाता है, 12 महीने जितने महीने का प्रोसेस होता है वो पूरा फॉलो होता है, उसके बाद जब उस पर फल आ जाते हैं उसको बेचने जाया जाता है, ये बस सिनेरियो सोचो कितने कितने मिनट में होगा, लिटरली एक मिनट से भी कम में, सिर्फ वो टाइम गैप दिखाने के लिए, सोचो इतना ज्यादा शूट किया है डायरेक्टर ने। तो इस चीज के लिए सल्यूट है, और डेडिकेशन तुम्हें समझ आ जाती है कि मूवी बेकार नहीं हो सकती, क्योंकि अगर कोई बंदा इतनी बारीकी भी लेके चल रहा है मूवी से मूवी में तो कुछ तो होगा। और मूवी में शुरुआत में जब तुम देखते हो तो वो एक सीक्वेंस है जिसमें बीवी कहती है कि केले का पौधा बाद में लगा देना, आज मैंने कुछ बनाया है, उस टाइम वो मूड की बात कर रही होती है, ठीक है? बट डबल डाउन करते हैं, और जब आगे मूवी चलेगी तो मेरे को लग रहा था कि ये ज़रूर बोला जाएगा कि काश मैं उस दिन केले का पेड़ ही लगा लेता, और मूवी में तुम्हें दिखेगा भी सिचुएशंस कैसी बनती हैं। और मूवी ना एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ करती है कि लाइफ को ना बिल्कुल सेम दिखाती है जैसे तुम्हारे चल रही होगी, कि भाई इवन तो बिल्कुल नहीं है, तुम्हें जो लड़की चाहिए वो तुम्हें भाव नहीं देती, और ठीक है ऐसे तुम्हारे जो दोस्त हैं क्योंकि वो तुम्हारे जैसे हैं तो उन्हें भी सेम लड़की पसंद है, और तुम तीनों को ही भाव नहीं देती है, समझ रहे हो? चौथा राउंड आया है वर्ल्ड कार्ड एंट्री, और ट्रॉफी लेके चला गया है, और वो ट्रॉफी बाद में छूट जाती है, वो अलग बात है। और मूवी की सबसे बड़ी जान पता क्या है, इसके अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट, एक के बाद एक कांड हो ही जा रहे हैं लौंडों की लाइफ में, और एक नया हीरो ऐड होता जा रहा है, मतलब एक जो नया दोस्त है वो ऐड होता जा रहा है, मतलब पता भी नहीं कैसे बट हो रही है, वो ग्रुप धीरे धीरे इवॉल्व होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, दो लोगों से चालू हुआ था ये ग्रुप, आज इसमें 5 बंदे हैं, 5 से भी ज़्यादा, तो वो फील दे जाता है कि भाई मूवी में ना कुछ चीज़ें हो रही हैं जो तो समझ भी नहीं पाओगे, बट इतना अच्छा लगता है वो होते हुए स्क्रीन पे, वो प्योरिटी, यू नो। और मूवी में तुम्हें जब ये समझ आएगा कि दिस शिट इज रियल मैन, वो सीन ही इतना तगड़ा है, एक बच्चा पिट रहा है, मतलब इस ग्रुप का एक बच्चा पिट रहा है, और उस सेम कॉलेज में उसे पता नहीं कि उसके दोस्त भी हैं आ रखे, और जब वो पिट रहा होता है और जो उसके दोस्त भीड़ में से निकल के आते हैं, भाई 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 भाई, यहाँ पीक कर जाता है सिनेमा, ये है भाई, किसे नहीं चाहिए ऐसी दोस्ती, और जो पोर्ट्रेयल दिखाया है भाई भाई, मजा आया बिल्कुल यहाँ छुआ।
झूठ नहीं बोलूंगा आज के दिन, सच में मजा आ जाता है। मूवी जरूर देखना अगर तुमने नहीं देखी है। वादा नाम है, स्पेलिंग के साथ बताता हूँ, वी वैन वाला, डबल ए जेड जेड नहीं जी बोलेंगे, जी एच ए वाजा। और मूवी में जब जरूरत होती है उन लॉन्डो को, एक पुलिस केस उन पे हो जाता है, तो एक गार्डियन एंजल बन के आता है। कौन, सोचो, सेम पुलिस इंस्पेक्टर जो उनके केस को संभाल रहा है, और वो इंस्पेक्टर और कोई नहीं, एक डायरेक्टर है, हाँ मलयालम सिनेमा में वो एक डायरेक्टर है। और वो लास्ट में जो साइकिल कंप्लीट करते हैं खुद ही की, कि वो पहले खुद एक बच्चा होता है जिसको उसके बाप ने कभी प्यार नहीं दिया, क्योंकि उसके बाप ने उसको कभी सुना ही नहीं। और मूवी के एंड आते आते सेम साइकिल फॉलो वो खुद कर रहा होता है अपने बच्चों के साथ, कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता है, मैं बताऊंगा। तो समझ रहे हो, बाप बनते कैसे, एक नारायण बच्चा ही बाप बन सकता है, ठीक है, ये थोड़ा अलग कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, ठीक है, वैसे नहीं जाना। और विष्णु को होता है गम, विष्णु एक कैरेक्टर है जो कि बहुत बोला है इन सब में से, वो ही सबसे थोड़ा बोला है, और उसको होता है गम तो वो सुसाइड करने जा रहा होता है, उसके दोस्त छत पर चढ़ा होता है लिटरली विष्णु, और उसको नीचे से उसके चार पांच दोस्त डिमोटिवेट कर देते हैं कि अगर तू मर गया तो तेरी वजह से हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी, तेरे माँ बाप की जिंदगी खराब हो जाएगी, वो तो छोड़, हम भाई जी नहीं पाएंगे तेरी वजह से, केस बढ़ जाएंगे, हम क्या करेंगे। वो इतना गम में चला जाता है कि उसको वहाँ से कूदने में भी बीटी हो जाती है, तो वहाँ से वो कूदता नहीं, वो नीचे आ जाता है और दोस्तों को समझाता है कि भाई यार तुम लोग तो मरूंगी ना मैं जिंदगी में, चैन से मरने भी नहीं दोगे, वो वाला सीन। बट फिर उसके बाद एक इमोशनल सीन होता है जिसमें विष्णु अपने पापा से लड़ाई कर लेता है, और फिर जो होता है वहाँ तुम्हें रिकॉल होगी झटके से, थ्री इडियट वाली चीज़ कि भाई ये वही चीज़ है। बट थ्री इडियट में वो एक्सीडेंट के बाद ना फ्रेंडली हो गई थी चीज़ें, बट इसमें नहीं होता, इसमें और इमोशनली खेल जाती है चीज़ें, कि वो मिल ही नहीं पा रहे हैं दोस्त कभी एक साथ वापस से, क्योंकि उन सभी के फादर्स ने एक चीज़ देख ली कि ये सब साथ में रहते हैं तो कुछ ना कुछ गलत होता है। इस वजह से दो मेन की कैरेक्टर्स हैं शुरुआत के जो दोस्त बने थे, उनके बाप कभी चाहते नहीं कि वो एक साथ वापस से अपने बेटों को देखे, क्योंकि जब भी एक साथ रहेंगे उनमें से किसी ना किसी को कुछ खराबी ही होती है। तो दुख समझ आता है जब वो हॉस्पिटल के सीन में एक दोस्त बेड पे है और दूसरे दोस्त को उसके पापा मारते हुए ले जा रहे हैं कि तू उनके साथ रहेगा तो तू खराब हो जाएगा, वो इमोशनल सीन होता है। और मूवी उसके बाद हमें धीरे धीरे समझाती है कि हमेशा साथ रहना ही इमोशनल बॉन्ड नहीं है, बट हम साथ ना रह के भी जो इमोशनल बॉन्ड है या जो अटैचमेंट है हमारे बीच की, वो कम ना हो, वो सच्ची दोस्ती है या प्यार है जो भी है, पर सच्ची दोस्ती तो यही है कि अगर हम साथ नहीं भी रह रहे हैं, मैं कल भी बात नहीं कर रहा, मैं एक दोस्त से एक साल से बात नहीं कर रहा और ये लिटरली बात है, बट अगर वो कल भी मेरे को मिलता है और जो कभी मिला भी था बीच में भी, तो मैं वैसा ही रहूँगा, उसके साथ मेरी चीज़ें चेंज नहीं हो रही, मेरी इक्वेशन चेंज नहीं हो रही, वो अलग बात है, होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि वो दोस्त है मेरा, मैंने उसके साथ एक डेढ़ साल दो साल जो भी है मैंने टाइम स्पेंड किया, तो मुझे पता है उसके बारे में। हाँ, वो अगर IPS नहीं बन जाता या PM मोदी नहीं बन जाता तब तक बात अलग है, सॉरी PM नहीं बन जाता, PM मोदी ही बनेगा। और मूवी एट द एंड हमें समझाती है कि सारे हीरोज पावर्स के साथ नहीं बनते, कुछ हीरोज बनते हैं अपने पापा के वजह से, सम हीरोज हैव देयर फादर्स टू बैक देम, दैट्स व्हाई दे आर हीरोज, लिटरली ये की पॉइंट है इस पूरी मूवी का, अगर तुम देखने जाओगे सार निकल के यही आएगा कि जब तक पापा का हाथ है कंधे पे तब ऐसे लगता है कि यार ये सब देख लूंगा, ये छोटी चीज़ है, मतलब जो लड़ाइयाँ होंगी देख ली जाएंगी, जो भी कुछ होगा बस कंधे पे आते रहना चाहिए पापा जी का, बस फिर है ना अपन सब सख्त बंदे, सब अल्फाज हैं, तो वहाँ मूवी दिल जीत लेती। और लास्ट में एक सीन है जो कि लिटरली तुम्हारी आंखों में आंसू ला देगा, कि उसको कभी नहीं भरोसा होता कि उसके पापा कहीं पे भी उसको सपोर्ट करेंगे, वो हमेशा शांति से सुनते जा रहा होता अपने रिश्तेदारों की, बट जब उसके पापा उसके लिए स्टैंड लेते हैं, भाई अपने भाई को सुना दिया कि अरे तू भी तो ऐसे ही था, तुम तो लड़की भगा दी थी इस एज में, जिस एज में मेरा बेटा घर पे बैठा हुआ है उससे तो सही है, तो वो है ना वो बहुत दिल को सुकून वाली बातचीत दे जाता है। और फिर अपने छोटे भाई को तो चाटे मार देंगे, तू कैसे उल्टा बोलता, तूने देखा है इसको, मैंने देखा है, मैंने पाला, मेरा बेटा है, ठीक है, वहाँ प्राउड वाली बात आ जाती है और वहाँ थोड़ा इमोशनल कर जाती है मूवी। तो हाँ, कुछ ऐसा देखना जो सिनेमा में बहुत कम बनता है, क्लिशे नहीं है सिनेमा के हिसाब से, हाँ नहीं होगा ऐसा कि बाप बेटे साथ में किसी को मार रहे हैं, वो वाली चीज़ नहीं है, इमोशनल बॉन्ड या बातचीत देखनी है जो होनी चाहिए, जो रियलिटी होती है कभी कभार, वो देखना है। तो हाँ, वादा तुम्हारे लिए ज़रूर देखना, वन टाइम वॉच से ज़्यादा भी हो सकती है कि कुछ लोगों के लिए, मेरे लिए मैं पर्सनली दूसरी बार भी देख सकता हूँ इसको बड़े प्यार से। और मूवी एट द एंड ना तुम्हें एक बहुत सिंपल सी चीज़ समझाना चाहती है कि तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है,
तुम चाहे एनिमल क्यों ना हो, बस तुम्हें वो एक सही इंसान चाहिए जो तुम्हें समझ सके। वो सही इंसान जब तुम्हारी जिंदगी में आ जाएगा तो तुम्हारे अंदर का शेर जो है वो वापस आ जाएगा। बट हाँ, मूवी ट्विस्ट लेती है, पर मूवी का जो ट्विस्ट है वो बहुत तगड़ा है भाई। मतलब तो सब हैप्पी हैप्पी चल रहा है, सबके माँ बाप मान चुके हैं, बट एट लास्ट क्या होता है, कांड जो कि उन लॉन्डो की जिंदगी में लिखे ही है पता नहीं क्यों। तो हाँ, मूवी के एंड में टीज करा गया बाजार 2 को भी। तो हाँ, पर्सनली एक्साइटेड हूँ, नई टीम आएगी दोस्तों की, और क्या कांड होते हैं, क्योंकि कांड नहीं रुकने इस यूनिवर्स में। तो मैं पर्सनली मूवी जरूर देखूंगा, वादा 2 जब भी आएगी, वादा रिटर्न जो भी होगा मैं देखूंगा। पर हाँ, मूवी लिटरली अच्छी है भाइयों, जरूर देखना, ठीक है। तो हाँ, मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, और थैंक यू अगर तुमने विशेज डाली हैं कमेंट सेक्शन में, और नहीं भी डाली तो भी थैंक यू। आज मेरा बर्थडे है, सब थोड़ी बहुत खुशियाँ मनाओ, और एक हो सके तो टॉफी खा लेना मेरी तरफ से, पैसे मेरे पास है नहीं, वो कभी बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बुरी न्यूज़ से दुरुस्त रहना, और आते रहना इनका वॉइड चैनल पे वापस से, ताकि तुम्हारा भाई वापस से मिल सके तुमसे और नई मूवी रिकमेंड कर सके, ठीक है। बाय बाय।